आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय सोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क, नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मोबाइल हॉस्पिटल, आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर, ग्लोबल वॉलपेपर, हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। सालों बाद मिला एक बेटी को इंसाफ, शौहर ने ली थी बीवी की जान, हुई उम्र कैद की सजा। वकील तापोस कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कुमार डुबी की रहने वाली आशा देवी ने 2004 में अपनी बेटी की शादी विक्रम गुप्ता नामी एक शख्स से करवाई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद यानी कि 2008 में विक्रम ने अपनी बीवी को आग के हवाले कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी शिकायत मुतासरा की माँ ने आसनसोल नॉर्थ थाने में कराई थी। आज सालों बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मुलजिम विक्रम गुप्ता को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से जहां मुतासरा की मां और पूरा परिवार खुश है, वहीं मुतासरा की बच्चियों को लेकर परेशान भी है। जी हां, आशा देवी का कहना है कि बच्चियां अनाथ हो गई, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अभी इनका सहारा मैं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसलिए प्रशासन से अपील है कि वह इस मामले पर भी ध्यान दें। मेरा बेटी का जान चला गया, एक उसकी गोतनी थी, गोतनी के कारण ही मेरी बेटी का उसका बेदेवर के साथ में गलत संबंध रहता था, उसके चलते बोल बाल करती थी, मारपीट एनी टाइम करते, हम फिर भी समझौता सोचते थे कि कर लें दोगो बच्ची के लिए, लेकिन उन लोग नहीं माने। आज बेटी के साथ 4 साल तो हो ही शादी किया, हुआ भी किया, एक पहली बच्ची हुआ तो बोला कि लड़की हो गया है, तो हम बड़ी बच्ची को अपने पास रख के छोटी बच्ची को उन लोग ले गया, तो बोला कि बच्चे लोग को पोस लेते हैं किसी तरह से भी, हम फिर भी उसको समझा बुझा के रखते थे, आती थी अपना भाभी का बात पर, हूँ रात दिन उसका साथ में मार पीट एनी टाइम करते रहता था, और भाभी के साथ में उसका गलत संबंध था कि आज ये दिन देखना मिल रहा है। शादी हुआ था 2008 में, 2004 में आ दादा, 2004 में शादी हुआ था, 2008 में आज सब दिमाग आज यही टेंशन में ही दादा, सब कुछ आँख चला गया, दिमाग काम नहीं करता सब, यही सब आज जो पैसा हुआ उससे आप कितना है, तो लेकिन दो बच्चा का तो लाइफ बर्बाद हो गया ना, मेरा बच्चा तो अनाथ हो गई, जो मेन दोषी था आशा देवी उनका नहीं हुआ, हम लोग गुप्ता सोनी देवी जिनके कारण की बच्ची का जान गई, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, जो अनीता देवी है, और दो बच्ची को इस सरकार के द्वारा चाह रही कि अभी ये जीवित है तो ये बच्ची को परवरिश कर रही है, नहीं रहेगी तो दो बच्ची के लिए कुछ सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट इनको चाहिए। पालन पोषण एजुकेशन के लिए आज हम है तो क्लास पिलर दो को लोग को कुछ कर, कल दिन हमको कुछ हो जाएगा तो बताना। मेरा नाम है सीता, सीता कुमारी, हम इनकी छोटी सिस्टर है। कुमार डुबीर बासिंदा आशा देवी গত ইংরেজি 6/7/2008 সালে আসানসোল নর্থ থানায় অভিযোগ দায়ের করে যে আমি ওর মেয়ের বিয়ে ছিল 2004 সালে বিক্রম গুপ্তর সঙ্গে, এবং 6/7/2008 সালে ও যখন মেয়ের বাড়ি আসে এবং ওর সঙ্গে ছিল ওই ওর মেয়ে শনিদেবী, দুটো বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে, ও বাড়িতে যখন ঢোকে 10টার সময় তখন দেখে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে, ইন দি মিন টাইম হঠাৎ ওর স্বামী ওর ওয়াইফকে বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে যায়, মারধর করে টেনে নিয়ে যায় এবং কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই অভিযোগ সে নর্থ থানায় গত 6/7/2008 অভিযোগ দায়ের করে, সেদিনই তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সে ইমার্জেন্সিতে ডাক্তারের কাছে একটা জবানবন্দি দেয়, তারপরে সেদিনই দুপুর 2টোর সময় আবার ডাক্তারের কাছে একটা জবানবন্দি দেয়, ড্যাং ডিক্লারেশন দেয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেস দায়ের হয় এবং ওর শারীরিক অবস্থা অবনীত হওয়ার ফলে 11 তারিখ ওকে চাস মুস্কান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে 16/8/2008 মেয়েটি মারা যায়। ওই হাজব্যান্ড বিক্রম গুপ্ত এবং বাড়ির আরও অন্য 4 জন বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগে কেসে মোট 15 জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তার মধ্যে 4 জন ডাক্তার, বাকি 11 জন বাড়ির লোক এবং পাবলিক উইটনেস। আজকে এই কেসে বিক্রম গুপ্তকে 302 ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং বাকি 4 জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে এবং এটা সশ্রম কারাদণ্ড অর্ডার দিয়েছেন আমাদের লার্নার্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ সেকেন্ড কোর্ট শরণা সেন প্রসাদ। তাপস কুমার, উকিল। बीजेपी नेता राजेंद्र साव हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद साबिर को जमुड़िया पुलिस ने कराया रिकंस्ट्रक्शन। याद हो कि पिछले महीने नेशनल हाईवे पर बोगरा के करीब एक स्कॉर्पियो से बीजेपी नेता राजेंद्र साव की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में हीरापुर थाना के अंतर्गत रहने वाले मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।
कल मुलजिम साबिर को पुलिस अफसरान की मौजूदगी में घटनास्थल पर लाया गया। वहीं कत्ल की वजह की अगर हम बात करें तो कत्ल की वजह जुआ के पैसों को लेकर तनाजा बताया जा रहा है। बस बता कीजिए ना। चलो देखो वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पुरसर पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। वक्फे के बाद नजर फिर से खबर पर। आज पश्चिम बर्दवान जिला अकलीती की मीटिंग हुई, जहां अकलीती कमिश्नर मुमताज संगमित्रा मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई इस मीटिंग में मौजूद रही। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जिला अकलीती तंजीमों के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। কিছু আপনাদের অসুবিধা সুবিধা, এমনকি ইউ আর প্রেজিং অ্যাবাউট আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি অফিসার্স অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্ক, এই জন্যে আমরা ডাকলাম।
এটা যখন আমরা জেনে নেব তখন নেক্সট আমার দুটোর পর থেকে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, মাইনরিটি কমিশনকেও জানাচ্ছি, আমাদের আইনমন্ত্রীকে বিশেষ করে ধন্যবাদ, মানে উনি খুব বেশি রেকর্ড টাইমে এই জিনিসটা আমাদের ক্যাবিনেট থেকে পাস করে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। একই তাই উত্তরটা একই দিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমাদের করা উচিত। হ্যাঁ, এটা তার জন্য বোথ সাইড লাগবে, যেমন আপনাদের যেরকম হয় গুরু নানকের জন্মদিন হলো, সেটি হয় যারা লর্ডস অফ গ্যাদারিং ইন দি গুরুদুয়ারা, আর হি অর দ্য মাইনরিটি অফিসার অর দ্য ডিপার্টমেন্ট জি, কিন্তু তাও যেটা আপনি বলছেন দ্যাট ইজ কোয়াইট কারেক্ট। আপনারা জানেন না অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন, দেয়ার ওয়াজ আ সর্ট অফ স্টিগমা বিকজ 80% অফ দি মাইনরিটি আর মুসলিম কমিউনিটি, সো মোস্ট অফ দি আদার কমিউনিটি পিপল ইউজ টু থিঙ্ক দিস ফর দ্য মুসলিম লোক কালি হ্যাঁ, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু। হ্যাঁ, ইভেন দ্য ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি দে ইউজ টু থিঙ্ক এটাকে ওভারকাম করতে হবে আপনাদের। হ্যাঁ, তো না ওভারকাম করে আপনাদের তো ডেকে নে আমরা করছি করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, নাও ইউ সি এটা সবার জন্য पति को प्यार व्यवहार अच्छा रखो, पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छे से पेश आओ, पति के साथ पत्नी के साथ बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार अच्छे से पेश आओ, प्यार थोड़ा थोड़ा करो। 5% प्यार में तो पत्नी गदगद हो जाएगी, गुब्बारा हो जाएगी, 5% प्यार में तो पति गुब्बारा हो जाएगा, 95% प्यार भगवान से बनाए रखना और 5% में दुनिया को लिखना। बैलेंस से पति और पत्नी, आप बताओ एक बार आई लव यू कहने से काम बन जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। जब एक खत्म बात, पत्नी भी खुश पति भी खुश और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, यही गृहस्थी है, यही गृहस्थी के फंडे हैं, सिद्धांत है। गृहस्थी को सबको लेकर चलना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में सबको, पत्नी को भी पति को भी बच्चों को भी रिश्तेदारों को भी पड़ोसियों को भी और भगवान भी ना छुटाओगे हृदय में भगवान के सिवा और दिमाग में संसार के लोगों से कितने % प्यार करेंगे, 5 और ज्यादा प्यार उमड़े तो 7% कर ले, इससे ज्यादा नहीं, बाकी प्यार पूरा भगवान के चरणों में, क्योंकि जगत का प्यार काम आएगा ही नहीं। आप कर लो, हमने तो अपनों को ठुकराते देखा है, इसलिए अब आप ही बताओ किस पर विश्वास करें। आप कहते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा, लेकिन उसके बहुत अच्छे होने से आपका लाभ क्या है ये बताओ। आपका मन बेटे में लगेगा तो आप मन लगाया तो दुर्गति, इसलिए कैसा भी बेटा हो मन को भगवान में ही लगाने से गति होनी है। इसलिए वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है मेरी माँ, कभी आकर देखना, एक माँ है गौरी गोपाल, कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं और 5 बेटे घर में, मैं छोटी सी जगह मुझे नहीं दोगे रहने के लिए, जिस माँ ने बच्चों को गोद में खिलाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भूखी रहकर खिलाया, लोरी गा गा करके सुलाया, और एक गलती हो जाएगी
वो आपको जरूर कुछ कहेगा। पत्नी के साथ एक लाख अच्छाई करो, एक गलती होने पर वो भी बिना कहे नहीं रहेगी। सास ससुर माँ बाप भाई कोई जमाने का सिर काट के रख दो तो भी लोग तुम्हें एक ना एक दिन गलत ठहरा देंगे। ये नियम है, ये रीति है, ये झूठी दुनिया इसलिए है। तुम प्यार कर लो, नुकसान किसी का नहीं है तुम्हारा, कर लो, मरते रहो दुनिया वालों के चक्कर में। विश्वास इन लोगों पर, संसार के लोगों पर ना, विश्वास भगवान पर कीजिए। यदि भगवान पर विश्वास है तो कोई आपका बाल भी माता नहीं कर सकता। और दुनिया पर विश्वास है तो द्रौपदी को विश्वास था अर्जुन पर, बताओ क्या आए बचाने? द्रौपदी को था विश्वास युधिष्ठिर जी पर, आए बचाने? द्रौपदी को विश्वास था नकुल सहदेव पर, आए बचाने? द्रौपदी को विश्वास था गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर, आए बचाने? इसलिए विश्वास करके सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। जगत के साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करो, विश्वास भगवान के चरणों में, अटूट विश्वास। यदि उन पर विश्वास है तो वही आपका किसी ना किसी रूप में सहारा बनकर आएंगे। फिलहाल तो खबरें बस यहीं तक है, इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।